दोस्तों हम इस शो पर सेलिब्रिटीज को गेस्ट को बुलाते हैं, उन्हें इंटरव्यू करते हैं, लेकिन आज कुछ थोड़ा बदलने वाला है। सेलिब्रिटीज तो आज भी हमारे शो पर आए हैं लेकिन मैं उन्हें इंटरव्यू नहीं करूंगा, आई विल इन्वॉल्व देम इन अ डिस्कशन। और इसलिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ चार लिरिसिस्ट, चार सॉन्ग राइटर्स हैं, स्वानंद किरकिरे जी, कुमार जी, अमिताभ भट्टाचार्य जी एंड मयूर पुरी जी। तो आइए इनसे बातें करते हैं आज के लिरिक्स के बारे में, आज के सॉन्ग्स के बारे में, लेकिन उससे पहले लेट्स वेलकम देम। वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। स्वानंद जी, आपसे शुरू करते हैं। लिरिक्स का जो स्टेट हो गया है हिंदी फिल्मों में, आम जनता की ये कंप्लेंट रहती है कि लिरिक्स हैव गॉन डाउन इन क्वालिटी, अश्लील लिरिक्स लिखे जाते हैं, ऑब्सीन लिरिक्स लिखे जाते हैं, एंड एनीथिंग पासेज ऑफ एज लिरिक्स। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप इस कंप्लेंट से सहमत हैं या नहीं। एंड एक बात और मैं कहूंगा, क्योंकि ये इंटरव्यू नहीं है, इट्स अ डिस्कशन, प्लीज फील फ्री टू से व्हेन एवर यू वॉन्ट टू से समथिंग। मैं बिल्कुल ये बात से इत्तफाक रखता हूं किसी लेवल तक। अच्छे गाने बनने जा रहे हैं, अच्छे गाने बन रहे हैं, और हमें सभी लोग कभी 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 ना कभी एक आध दूसरा अच्छा गाना लिखने का मौका मिल ही जा रहा है। लेकिन जो ओवरऑल डिमांड है, जो ओवरऑल मांग हो रही है, वो इसी तरह के गानों की हो रही है जो कि एक चालू सा हुक लाइन हो और एक वन एंड स्टैंड वाला गाना। हाँ, मैंने एक एक कम समय के लिए भले ही पॉपुलर हो लेकिन बहुत पॉपुलर हो, तो उस तरह की गाने की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जनता रिस्पॉन्सिबल है, प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, कंपोजर्स रिस्पॉन्सिबल है, हम खुद रिस्पॉन्सिबल है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये डिमांड बढ़ती जा रही है। आपने क्या कहा, आपने क्या टर्म यूज किया, आपने क्या कहा? वन नाइट स्टैंड, वन नाइट स्टैंड वाले का। मगर इसका मतलब है कि जो लिखने वाला है, सबसे पहली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखने वाले की होती है। अगर लिखने वाला मना कर दे कि मैं ऐसे लिरिक्स नहीं लिखूंगा, तो फिर वो गाने बन ही नहीं सकते। ओरिजिनेट तो आपसे होते हैं, तो देयर इज नो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा जो राइटर्स एसोसिएशन है उसमें कुछ 50,000 या 70,000 मेंबर्स हैं। अगर आज ये गाना मैं नहीं लिखूंगा तो अमिताभ, हम चार शायद मना कर देंगे तो कोई और लिखेगा। तो मतलब काम रिक्वायरमेंट पूरी कर दी जाएगी, वो तो होगा ही, कोई तो है, मतलब ऐसा ये तो होगा ही। अगर मैं मना कर दूंगा या मुझसे नहीं हो पाएगा तो वहाँ काम थोड़ी रुकने वाला है। शेक्सपियर को अपने जमाने में चीप कहा जाता था, जब उन्होंने नाटक लिखे तो उनको कोई इज्जत नहीं मिली थी उस वक्त, बहुत मतलब पॉपुलर बड़े थे मगर बहुत ही वॉज नॉट वेरी रिस्पेक्टेड। लिटरेचर क्या है, ये पेपरबैक से लिटरेचर बन जाता है, हमको पता नहीं होता, हम अपने दौर में काम कर रहे हैं, आगे जाके इसका क्या, इसको क्या दर्जा दिया जाए। आई बिलीव की मतलब लिटरेचर भी अपनी जगह है, लैंग्वेज भी अपनी जगह है, मेरे ख्याल से आर्ट और पीस ऑफ वर्क वो हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यू का मामला रहे। वॉट इज गुड फॉर वन माइट नॉट बी दैट गुड, वॉट माइट बी वल्गर फॉर समबडी माइट बी एंटरटेनमेंट फॉर समबडी। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, वन मैन्स फूड कुड बी अनदर मैन्स पॉइजन। एब्सोल्युटली, तो नजरिए की बात है। मगर कुछ गाने आप एग्री करेंगे कि कुछ गाने सबके लिए अश्लील ही है? देखिए, इसको मैं दो तीन तरह से देखता हूं। एक तो ये कि जो हिंदी फिल्म ट्रेडिशन में गानों की जगह थी, वो अब एक ही तरह के गानों की जगह बनती जा रही है। मतलब आपको लव सॉन्ग, आपको दूसरी भावनाओं के गाने, वो गाने धीरे धीरे सिनेमा से गायब होते जा रहे हैं। जैसे फास्ट फूड होता है, एक जेनरिक तरीके से बर्गर बनाया जाता है, ये लोफ है, ये है, इसके अंदर ये पैटी जाएगा, इतने चिप्स रखे जाएंगे, इतना ये, और ये बर्गर तैयार है, और ये स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया में आपको वही बर्गर मिलेगा एक ब्रांड नेम से। गाने भी धीरे धीरे उसकी एज घिस घिस के उसको एक दायरे में, एक सांचे में ढाल के फिट कर दिया जा रहा है। अब हम लोग जापान में कह रहे हैं स्क्वायर वाटरमेलन उन लोगों ने बनाया ताकि पैकेजिंग के लिए इजी हो जाता है, हेडलेस चिकन बना दिया है जो कटिंग कॉस्ट निकालने के लिए। अभी जो हमारे गाने हैं वो स्क्वायर वाटरमेलन है। या तो एक बात है कि हम जो लिख रहे हैं उस बात से सामने वाला कन्विंस हो जाए, मुझे लगता है कहीं हमारी से जो है गाने में 20% या 10% क्या बोलना चाहते हैं थोड़ा मुश्किल लगता है ये मानना कि आप जैसे दिग्गज लिरिसिस्ट उनकी से गानों में नहीं है। लिरिक राइटिंग सिर्फ लिखने का मुद्दा नहीं है कि हर कोई नहीं लिख सकता, ये एक क्राफ्ट है जो कुछ लोगों को आती है और कुछ लोगों को नहीं आ सकती। ऑल द मोर रीजन के लिरिसिस्ट का से होना चाहिए और बढ़ना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है कि आप एक क्राफ्ट्समैन, आप अपने घर पे एक आदमी को बुलाते हो पेंट करने के लिए और कहते हो कि यार लाल पेंट कर दे, वो इसी तरह की बात है कि जैसे एक डॉक्टर को आप रोज बताएं कि ऑपरेशन कैसे करना है, ये है समस्या। रोमांटिक गाने में हुक लाइन चाहिए, आइटम सॉन्ग। दिस इन फैक्ट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। लगता है गाना बनने से पहले हुक लाइन तैयार होती है आज। वी डोंट राइट द सॉन्ग। नहीं, मैं ये बताना चाहूंगा फर्स्ट एंड देन मेक द प्रोडक्ट। मैं मेक क्वालिटी ट्यून्स एक्चुअली।
मुझसे कहा गया था कि यार अंतरे तो तू लिख लेगा या जो भी लिख लेगा मुझे क्या लेना ऑलवेज दिस हैपेंस ऑलवेज अंतरे में किसी को इंटरेस्ट नहीं डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स सम ऑफ देम सम ऑफ देम सम ऑफ देम लॉट ऑफ देम मतलब एवरीबॉडी बिकॉज़ नॉट सम ऑफ देम लॉट ऑफ देम एवरीबॉडी उसके पीछे भी टेक्निकल रीजन यही है कि अगर आपके एल्बम में जितने गाने हैं हर गाना उसमें पते की बात या कनेक्टेड टू द स्टोरी या टोन ऑफ द फिल्म को क्या कहा जा रहा है उससे ज्यादा वो जबान पे चढ़ रहा है कि नहीं उसके लिए जो इन्होंने कुमार भाई ने कहा कि वो हुक लाइन की जरूरत है सो अब अगर आइटम सॉन्ग है तो हुक चाहिए अगर लव सॉन्ग है तो हुक चाहिए सैड सॉन्ग है तो हुक चाहिए यहाँ तक कि अगर आप अपने माँ के लिए कोई गाना गा रहे हो उसमें भी हुक चाहिए सो सॉन्ग राइटर्स आर हुकर्स बेसिकली अगर मैं दो लाइन का अगर सपोज मैं बोलता हूँ जो पुराने गीत होते थे उसमें दो लाइन का मीटर ज्यादा होता गजल मीटर को रख के गाने बने या रुबाई मुझे नहीं लगता इस दौर में मैंने दो लाइन का गाना कोई सुना है नहीं है बहुत कम रेयर झलक दिखला जाए एक बार आज मगर दो लाइन या स्ट्रक्चर से क्वालिटी डिपेंड नहीं करती है नहीं वो मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे गाना बदल गया है कितने मीटर बदल गया नहीं एक ऑर्गेनिक एक ऑर्गेनिक तरीके से कहानी के लिए गाना नहीं बनता गाने कई बार स्टैंड अलोन बन रहे हैं स्टैंड अलोन बनते हैं स्टैंड अलोन बनते हैं यहाँ चिपका दो या वहां चिपका दो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला लाइक अमिताभ जी मैं अगर आपसे पूछूं भाग डीके बोस आपने लिखा है आर यू प्राउड ऑफ दैट सॉन्ग और यू आर आई एम प्राउड ऑफ एनीथिंग दैट आई हैव रिटन बिकॉज अगर मैंने भाग डी के बोस भी लिखा है तो उसमें बाकी बाकी गाना तरीके से पिरवाया गाने को उसमें हुनर है ओके मेहनत है उसमें इट्स नॉट एनी नहीं और देखिए उसमें दो तरह की बात है मतलब मैं जैसे एक बार कहना चाहता हूँ कि वी आर नॉट अशेम्ड ऑफ इट एंड नॉट दैट कि सब कुछ ऐसा समय भी बदल रहा है उसमें लैंग्वेज भी बदल रही है उसमें कैजुअलनेस जैसा समाज है वैसे हम एवरी सोसाइटी डिजर्व्स द एंटरटेनमेंट इट गेट्स That's the bottom line. अच्छा, it's not the other way around. Okay, entertainment जो मिल रहा है, it starts accepting. ऐसा नहीं है. No, it's a market driven. It's a market driven art. हम कविताएं नहीं लिख रहे, हम किताबें publish नहीं कर रहे, मुशायरे नहीं कर रहे, हम एक film के लिए जिसमें किसी के करोड़ों रुपए लगे, हम गाने लिख रहे हैं. But अच्छे गाने पे immediately मुझे ध्यान आ रहा है इनके English के गाने, साफ सुथरे, very heart touching lyrics. You're saying कि public gets what it deserves, but public ने इनके गानों को भी शाबाशी दी. नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि script बहुत script लेकिन director पे बहुत depend करता है. Director पे बहुत depend करता है, script पे बहुत depend करता है. लेकिन क्या होता है कि जब आप market की बात करते हो, जब आप गाने चलते हैं, तो उसमें उसकी उसके अगर आप business के हिसाब से देखोगे, तो English के गानों ने उतने पैसे शायद ना कमाए हों जितने किसी और गाने ने कमाए हों. जब आप म्यूजिक को एक अलग एंटिटी की तरफ से तरह से देखते हो तो शायद कोई और गाने भी होंगे तो लेकिन समाज में उनको सुनने वालों की आइटम सॉन्ग ज्यादा वर्क करता है कहने का मतलब हर तरीके के काम के मतलब जगह है उसके लिए ओके इंग्लिश पसंद करने वाले लोग भी हैं जो आइटम सॉन्ग पसंद कर रहे हैं वो लोग भी हैं वो जगह भी है एक्सपेरिमेंटल गाने बन रहे हैं बहुत ज्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वाले गाने बन रहे हैं एजी लिरिक्स वाले बन रहे हैं एक्सप्लिसिट लिरिक्स वाले बन रहे हैं तो क्योंकि हर जॉनर गाने की जगह है हर तरह के गाने की जगह बनी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अगर अश्लील गाने लिखना बंद हो जाए तो आपको लगता है फिल्म का बिजनेस कम हो जाएगा घट जाएगा नहीं मुझे लगता है ये क्वेश्चन है डायरेक्टर प्रोड्यूसर पे ज्यादा होना चाहिए बिकॉज स्क्रिप्ट ऐसी बनती है तो वही है कि हमें कहीं से अल्टीमेटली टीम हम लिख रहे हैं लेकिन जो अभी आपने एक सवाल पूछा कि हमारा कितना से रहता है जो फाइनल प्रोडक्ट जो बाहर जा रही है उसमें हमारा से कितना है वो दैट इज नॉट कंप्लीटली माय कॉल ना ही हम चारों जो बैठे हुए हैं जो गाने आप सुन रहे वो हमारे कविताओं की कलेक्शन में से नहीं है वी हैव रिटन इट देन एंड देयर वहां बैठ के दिस इज फॉर द फिल्म वी आर फॉर द फिल्म हम काम कर रहे हैं कई रिक्वायरमेंट हमें चाहिए मुझे कहना है कि हम लोग वो गृहिणी नहीं है हम लोग तो शेफ है जो ऑर्डर पे लिखते हैं खाना बनाते हैं मैं एक एग्जांपल देता हूं एक फिल्म कर रहे हैं पूरी अगर एक हीरोइन फिल्म कर रही है पूरी और उसमें कहीं सिचुएशन पे आके एक बिकनी का सीन है ऐसे ही हमारे जब फॉलो फिल्म करें कहीं ना हमारे सामने वो सिचुएशन आ जाती है पांच गानों में से कहीं से एक गाना ऐसा वल्गर सा आया था या जिसमें बिकनी में हमें गाना बनाना है एक्चुअली पब्लिक को प्रॉब्लम क्या है पांच गानों में से एक आध गाना हो तो ठीक है पब्लिक का ये कहना है कि आजकल तो पांचों गाने ऐसे होने लगे हैं सर वो मतलब कुछ ऐसे नॉटी वर्ड्स नॉटी लिरिक्स होते हैं दैट इज वेयर दे आर वही पब्लिक उन गानों को खरीद हमारे बच्चे फिर कैसे मतलब क्या सुनकर बड़े हो रहे हैं कोमल जी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मेरे डैड हैं मेरे मॉम बड़े शौकीन हैं फिल्मों के म्यूजिक के उनकी पिछले 10-15 साल से कंप्लेन है बकवास काम कर रहे हो तुम लोग जो भी हो रहा है ये घटिया है ये है वो है तो आई दिस टाइम आई वेंट टू माय आज माय डैड कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट टू अ स्टोर एंड यू एक्चुअली बॉट अ कैसेट और अ सीडी
He's never done that. He's not done that in 15 years. तो 15 साल से जब आपने पैसे नहीं खर्च करे इस म्यूजिक के लिए, अब वो मेरा भाई है, वो सीडी खरीदता है, वो डाउनलोड करता है, वो रिंगटोन्स, तो म्यूजिक वही बनेगा जो उसको चाहिए. म्यूजिक वो नहीं बनेगा ना जो मेरे माँ बाप को चाहिए, क्योंकि वो नहीं पैसा खर्च कर रहे ना. एक्चुअली इससे एक और सवाल उठता है, ऐसा नहीं है कि पहले अश्लील लिरिक्स नहीं होते थे? ऐसे गाना है तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगाया. करेक्ट. मैं गाना सुनता आज उसके मतलब मुझे समझ में आ रहे जब मैं इस दौर से गुजरा हूं. अच्छा, इसका मतलब ये था. नहीं नहीं, बहुत डबल मीनिंग के गाने 80s 70s 60s. मगर एक बात है, हाँ. आपको इट्स वेरी चैलेंजिंग. एक्चुअली शायद स्वानंद जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, शायद पहले डबल मीनिंग गाने होते थे इसलिए शायद इतनी कंप्लेंट नहीं करती. आजकल सिंगल मीनिंग वाले होते सीधे मुद्दे पे आना. हुस्न के लाखों रंग, कौन सा रंग देखोगे, आ गए बदन कौन सा देखोगे, क्या चैलेंजिंग मीनिंग है ना. फेज है हमारा चैलेंजिंग और बहुत टफ और आसान भी, उसके साथ स्पेस भी है, स्कोप भी है. लेकिन आज के दौर में लिरिसिस्ट के लिए चैलेंज जॉब है गाना लिखना. अच्छा, मतलब पहले के जमाने के मतलब कंपैरिजन में आज ज्यादा चैलेंजिंग है. इतने क्लटर में से निकल के आना, चाहे आप आइटम सॉन्ग बनाए, चाहे सैड सॉन्ग बनाए, सौ आइटम सॉन्ग बन रहा है उसमें, लेकिन अगर कोई कमाल का आइटम सॉन्ग नहीं होगा तो वो नहीं चलने वाला. नहीं चलने वाला, ऑब्वियसली इट्स चैलेंजिंग. अगर कंपोजिशन एक चोरी की भी है यार, अगर राइटर को तो ओरिजिनली लिखना है उसके ऊपर, आप चुरा नहीं सकते. एवरी टाइम 10 अगर ऑप्शन भी लिखने हैं हमें एक ही ट्यून पे, तो हमें नए ही लिखने हैं. कितनी बार जो एक पॉइंट उन्होंने बोला था कि कोई गाना किसी सिचुएशन के लिए बनता है, किसी फिल्म के लिए बनता है, वो रह जाता है, चाहे वो कंपोजर के बैंक में रह गया, प्रोड्यूसर के बैंक में रह गया, वो किसी और फिल्म में चला गया, धुन चली जाती है, पूरा ट्रैक चला जाता है, हमारे लिरिक्स बदलते हैं क्योंकि उस फिल्म के हिसाब से हमें फिर से लिखना पड़ता है. करेक्ट, एग्जैक्टली. और कितनी भी मतलब सुनी सुनाई कंपोजिशन पे भी गाने लिखे हुए हमने. बिल्कुल, कई राइटर को सल्यूट करना चाहिए. राइटर एक मीडियो कंपोजिशन को भी उसमें जान डाल देता राइटिंग से. तो कंपोजर को वो भी समझना पड़ेगा, ये मीडियो का ट्यून जब होती है और फिर राइटिंग आने के बाद गाना. और ये बात बहुत सही है कि कंपोजर्स बहुत एडमेंट हो गए कि ये ट्यून है, तो वो अपना स्कैनिंग थोड़ा भी चेंज नहीं करेंगे, वो अपनी ट्यून चेंज मतलब नहीं करेंगे. आप लोगों को फिट करना उनका, पड़ता है. उनका पहला कंपोजर्स का टारगेट है, एक बार अप्रूव हो गया तो हो गया, अब वो दोबारा उस पर काम. हम चाहे 10 बार लिरिक्स लिखें, हम चाहे 10 बार चेंज करें, हम डायरेक्टर को भी खुश करें, प्रोड्यूसर को भी खुश करें, कंपनी वाले को भी, कंपोजर को भी, आजकल एक्टर्स को भी. आजकल एक्टर्स बोलते हैं दिस वर्ड आई एम नॉट गोना से. आई एम नॉट जोकिंग. जो मेरे ख्याल से हम चारों मतलब वो वर्ड मैं नहीं, कि आपने एक जुमला बनाया, आपने एक चार लाइन लिखे, एक मुखड़ा लिखा, अंतरा लिखा, कुछ भी थॉट लिखा, उसका एक अपना नेचुरल फ्लो है, उसकी एक दुनिया है जिसके हिसाब से आपने लव सुने हैं, विच इज ट्रू टू द टोन ऑफ द व्हाट यू ट्राइंग टू से. अब उसमें अगर कोई आके कह दे कि भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आगे अच्छा लग रहा है, पीछे लग रहा है, ये शब्द अच्छा लग रहा है, राइटर की आत्मा जुड़ी होती है पूरा. शायद आप वन मोर एग्जांपल कंपोजर्स के मामले में, कि मैंने तो ये इसका वॉवल आ से एंड होना चाहिए, आपने ई पे कर दिया. हमारे राइटिंग की लिमिटेशन, वो हमारी लिमिटेशन भी नहीं है, कई बार वो डायरेक्टर की समझ की या प्रोड्यूसर की समझ की लिमिटेशन भी होती है. बिल्कुल होती है कि वो उनका दिमाग मतलब उनको इतना ही पता है, और ये गलत नहीं, और बड़े प्राउडली वो इस बात को आर्ग्यू कर सकते कि ये मुझे समझ में नहीं आया. अच्छी बात क्या, इतने जूझने के बाद गाना चलता भी है, मतलब सलूट भी करना पड़ता है, चलो हमसे मेहनत करवाई है, लाइक गाना लिखवाया है, चलो बट गाना हिट तो हो गया, गाना हिट भी हुआ, ये भी देखना पड़ेगा दोस्तों. ये जो बात अभी चल रही है इससे लगी हुई बात, जैसे आई एम श्योर सब सहमत होंगे कि जो ये हुआ कि मतलब ये वर्ड बदल दो, जिसमें कितना होता है कि ये वर्ड किसी को समझ भी नहीं आएगा, चाहे वो हिंदी का आम हिंदी का बोलचाल की भाषा का एक आम सा लफ्ज़ सबको मालूम है, हमने सबने सुना है उसको, अगर आप कर रहे हैं तो होता क्या है मेरे हिसाब से कि एक हर लैंग्वेज का लहजा होता है, उसकी एक तासीर होती है ना, उसको फिल्टर कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कल्चर डाइल्यूट होता जा रहा है. भाषा का बोझ हम पर है, क्योंकि भाषा के बारे में कमेंट्स हमारे हमारे सीधे हम ही को आती है ना, कि अरे यार आप खराब कर रहे हो जबान को, आप जबान को ये कर रहे हो, आप जबान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप जबान बदल रहे हो. और दूसरी बात ये होती है कि आप अपनी समझ से, आपकी समझ समाज की समझ नहीं है, जो भी वहां पर डिसीजन मेकर है, आप अपनी समझ से उसको संकुचित या बड़ा नहीं कर सकते. क्योंकि हिंदी भाषा, अगर किसी भाषा की बात अगर कर रहे हैं तो आपको इस लिरिसिस्ट के नाम की कॉम पे भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ही को आती है, आपको नहीं आती. बिकॉज भाषा जिसको मालूम है वही उस मतलब उसके बारे में जो भी तय किया जाएगा वो तो वही जानता है वही करेगा. और दूसरी बात ये कि, और दूसरी तरफ एक इनकी डिमांड ये रहती है कि नया वर्ड लाओ, नया वर्ड, एक वर्ड ये होता है चैलेंज है, मतलब शब्द भी उतने ही है, शब्द पुराना कैसे हो सकता है. अब आंख, नैन, नजर, इसके अलावा क्या लिखा, मैं शब्द कहां से नया लाऊं और इजाद कहां से करूं. मतलब मैं अगर एक्चुअली क्या बोलूं, रब शब्द भी पुराना हो चुका है, खुदा भी पुराना हो गया, अल्लाह भी पुराना हो गया, तो किस नाम से पुकारे, तो ये शब्द लोगों के लिए पुराने हो गए. खुदा भी नाम मत लिखो, तो क्या आप याद नहीं करते, क्या आप रिलीजियस नहीं हो, आप प्रेयर नहीं करोगे इसके अलावा क्या. और अगर अगर कुछ लिख दूं, अगर मैं कुछ लिख दूं कि जेड,
तो आपको तो, क्या समझ नहीं आया? कई बारी जो आपको गाने के बारे में जब आपकी सारी बातें हो रही होती है, हिट भी हो गया होता है, नहीं भी हुआ होता है, लेकिन एक समाज का एक तबका ये होता है जो बोलता है कि आपने ना जबान के साथ खिलवाड़ किया। एक्चुअली जबान के साथ खिलवाड़ किया वो इसलिए भी लोग बोलते हैं कि अंग्रेजी के शब्द, हिंदी गाना चल रहा है उसका वजह बोला जा रही है, और आजकल तो फैशन बन गया, एवरी सॉन्ग हैज टू हैव इंग्लिश लिरिक्स। जितनी कॉमन होती जा रही है उतना ही जब बात कर रहा है आदमी कोई तो उसके जुबान से हिंदी से ज्यादा इंग्लिश के शब्द। आपने खुद ने तो सारे पहरावे बदल लिए, आपकी लाइफ स्टाइल बदल गई, आप एक जबान को नहीं बदलने देना चाहते। आप सॉरी बोलते हैं, माफी दे तो कोई बोलता नहीं, टाइम जितना कोई समय नहीं बोलता, तो हमें टाइम ही लिखना पड़ता है वहाँ पे। कैसे है, कैसे हो पूछना बंद हो गया। सर मैं एक बात, मेरा उल्टा प्रॉब्लम भी इस बात को लेकर, बहुत सारे यंगस्टर अभी जो चल रहे गाने यंग स्टोरीज हैं और यंग कैरेक्टर्स हैं जो उर्दू नहीं बोल सकते, या जो कैरेक्टर वैसा पिक्चर में उसकी लैंग्वेज नहीं है मगर गाने में बोलेंगे एक उर्दू का कमाल का एक वर्ड जैसा गुलजार साहब देते ना वैसा एक दे। देखिए जबान के साथ में आप जबान को बिचारी को मत ऑर्थोडॉक्स रहने दीजिए, उसको भी बहने दीजिए। जबान एक जिंदा चीज है, जबान इज नॉट अ डेड। हमारा मैसेज कन्वे होना चाहिए, लैंग्वेज मायने रखती है, जो लैंग्वेज आपके अंडर है, कमांड है, उस जो भी लैंग्वेज आती है उसमें आपको मैसेज कन्वे करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से। अच्छा अभी एक बहुत सच्चा जवाब चाहूंगा, आप लोग जब गाने लिखने बैठते हैं कोई एक गाना जब लिखते वक्त आप लोगों ने सोचा नहीं यार ये लिखना नहीं चाहिए बिकॉज बहुत सुनना पड़ेगा, बहुत मीडिया से पब्लिक से सुनना पड़ेगा, तो हाथ कहां पे, कौन सा गाना? मतलब जाहिर आप देख मेरी तरफ रहते सबसे पहले मैं जवाब दे देता हूं। आपने ऐसे किया तो मैंने आपकी तरफ देखा। इसका बिल्कुल जैसा आपने कहा एक सेंटेंस में ईमानदारी में जवाब दूं कि जिसको लिखते हुए हाथ कांप जाए या डर लगे कि यार कैसे हैंडल करूंगा वो अभी तक नहीं लिखा है। अच्छा मगर जो लिखा है सोच समझ के लिखा है नहीं, और सोचने पर मजबूर हुए कि नहीं ये शायद वो। अब बहुत से गाने हैं जिनमें कोई ऐसा एक ऑप्शन बना हो, कोई अंतरा बना हो जो शायद ज्यादा हो रहा था कम हो रहा था, वो डिस्कशन से ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि मैंने कुछ दो ऑप्शंस लिखे हैं जिसमें से मुझे ऐसा लगा है कि मैंने जो लिखा है वो कहीं गुना बेहतर है लेकिन बाकी लोगों ने दूसरा ऑप्शन चुना है। ये तो ऐसा कई बार होता है और ये तो हमेशा ही होता है। डबल मीनिंग वाली बात आती है कि सही लफ्जों में भी वो भी सिलेक्ट हो जाती है, मतलब थोड़ा सी चलाकी, थोड़ा सा सेक्स, थोड़ा सा लव के बीच की बात इमीडिएटली। लेकिन मेरे साथ एक एक्सपीरियंस ऐसा है जिस वक्त पे मैंने जो तमिल गाने हिंदी में ट्रांसलेट किए थे उस समय पे मैं बहुत जोरों से डरा हुआ था और मुझे लगा था कि मैं ये मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से पूरा विरोध भी किया उस बात का। रोबोट फिल्म के गानों की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब साफ ही मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ बात। और मुझे उस समय यह लगा कि हाँ ये ट्रांसलेशन का जो काम है, क्योंकि दो सेंसिबिलिटीज अलग अलग है तो वो उतनी आसानी से हो नहीं सकता, और चूंकि वो लिप सिंक वगैरह के चक्कर होते हैं, उस चक्कर में आपको आप ज्यादा उसमें बदलाव कर नहीं सकते, फोनेटिक्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते क्योंकि किसी एक्टर ने वो लफ्ज बोल दिया है, वो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन मेरे तेरे उसमें दिल में कितने हैं, वो गाने के समय में हम काफी लोग शर्मिंदा हुए थे। डैड की मारुति फिल्म आई थी उसमें जब मैं वाइल्ड वर्क कर रहा था उसमें एक गाना था जो हिलेगी मेरी हिप करेंगे हिप्पे पुर्रा। रात को मैं गाना लिख के गया हूँ और सुबह मैंने डायरेक्टर को बोला आई डोंट वांट दिस लिरिक्स बट अब मेरी से खत्म हो गई है, उन्होंने बोला हमें ये गाना चाहिए। मुझे कभी किसी वर्ड को या उसको लेके कभी अपने आप से क्षोभ या ऐसा नहीं हुआ है, मुझे थॉट को लेके हुआ है कई बार। अच्छा आई कुड हैव डन अ बेटर थॉट, मगर वो कई बार इतना लेट होता है कि तब तक गाना रिकॉर्ड हो गया यार, आपको सडनली दूसरे दिन गाते गाते ख्याल आया गोड़ा बेटर थॉट, मेनू तो हॉट लगी, लिखा था नोट लग दी, मैं क्लाउड करता हूँ कि मैंने ये गाना लिखा। बहुत बढ़िया, सुबह होने ना दे साथ खोने ना दे दूसरे को सोने ना दे, बात वही है घुमा फिरा के लिखी गई है। थोड़ी सी बात क्या है मैं समझा नहीं, बात बोलना चाहते अंडर करेंगे। अच्छा आप लोग जब मिलते हैं ऑब्वियसली यू शेयर अ गुड रैपो, आप लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं या कभी क्रिटिसाइज भी करते हैं यार ये ऐसा कैसा गाना लिख दिया, आई कुड नेवर रिटन, मतलब एंड हाउ फ्रैंक आर यू ऑल विद ईच अदर? टू बी वेरी फ्रैंक कम मिलते हैं, जो सच्चाई है जब मिलते हैं बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, बहुत अच्छी तरह से। तो ये भी हो सकता है कि ये गाना अच्छा नहीं लगा, वो भी बहुत अच्छी तरह गानों की चर्चा काम ही होती है। हम लोग क्या है 24 घंटे गाने में रहते हैं, एक मिनट मिलता है वो गानों की चर्चा हम करना चाहते हैं। करेक्ट, हम लाइफ की बात करते हैं, दूसरी बातें करते हैं हम गानों का और ये सब फिल्मी डिस्कशन नहीं करते, मगर कॉम्प्लीमेंट तो पे करते हैं एक दूसरे को कि यार अगर कोई गाना अच्छा लगा तो डेफिनेटली, अच्छा लगा तो तारीफ करते हैं, बुरा लगा तो चुप रहते हैं। बिल्कुल नहीं सर, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे बुरा लगने का सवाल नहीं होता, क्योंकि बुरा क्या होता है, बुरा इंटेंशन होता है, बुरा गाना नहीं लिखता कोई। इस तरह से आप नहीं कहते हो यार ये लाइन तुमने बहुत बुरी लिखी,
क्योंकि पूरी लाइन नहीं होती, लेकिन तारीफ तो मेरे ख्याल से अगर मिल जाए तो हो ही जाती है। कभी कभी जैसे अमिताभ के साथ मेरा थोड़ा सा ज्यादा बातचीत होती है, तो अभी इसको किसी गाने के लिए फोन भी किया था परसों, बाबा जी की बूटी। अच्छा, बिफोर वी रैप अप दिस डिस्कशन, एक एक शब्द में आपका जवाब चाहिए मुझे इस प्रश्न पर, ये आखिरी प्रश्न है। तो अल्टीमेटली जिस डिस्कशन पर हमने इतनी बातचीत की है, अल्टीमेटली इफ आई वर टू आस्क यू इन वन वर्ड, ओनली वन वर्ड, नो सेंटेंसेस, देयरफॉर जो लिरिक्स के खिलाफ कंप्लेंट्स आ रही है पब्लिक की, बहुत लोग सोचते हैं कि आज की लिरिक्स घटिया लिरिक्स एंड ऑल दैट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद कंप्लीट ऑडियंस, ऑडियंस एंड टीम, सेम ऑडियंस, सोसाइटी, सोसाइटी, मगर मतलब लिरिसिस पर अकेले पे नहीं हो सकता, अकेले पे नहीं, डायरेक्टर भी इन्वॉल्वमेंट है, लिरिसिस डायरेक्टर टीम भी, सुनने वाला भी सही निकल के आया है, सुनने वाले की तादाद भी रिस्पांसिबल है उसके लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई से ऑडियंस एंड व्हेन ही से सोसाइटी, वी आर इंक्लूसिव ऑफ दैट, आई एम आल्सो सोसाइटी, आई एम आल्सो ऑडियंस, एक गाना मैं लिख रहा होता हूं सही बात, तब मैं लिरिसिस्ट होता हूं, उसके बाकी सब टाइम पे तो मैं ऑडियंस, ऑडियंस ही हूं, सर सोसाइटी में ऑडियंस होती है और वो सुनिए जाते हैं गाने, सुन के अच्छे भी लगते हैं, मजा भी आता है, तो लेकिन एक कॉमन कॉन्शियसनेस का कुआं होता है जिसमें से हम सब उलझ रहे हैं पानी, और कुछ लोग ही क्रिटिसाइज करते हैं मुझे लगता है गानों को, यूथ जो है मेरे को नहीं, ये तो ये हमारी सोसाइटी की भी बहुत प्रॉब्लम है कि एक एक लेवल पे सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहो और अंदर से मजे लेते रहो, एक्चुअली बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं एंड दे आर द वंस हु एंजॉय द मोस्ट, या थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, थैंक यू सो मच, वंडरफुल, थैंक यू फॉर हैविंग, वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों, हमने आज बातें की अबाउट द लिरिक्स, द सॉन्ग्स इन आवर फिल्म्स, तो अगली बार अगर आप क्रिटिसाइज करें, ये सोच लें कि गाने वैसे ही बन रहे हैं जैसा आप चाहते हैं, बाय आप आई मीन द लार्जर मास बेस ऑफ ऑडियंस, एंड ऑब्वियसली हर लिरिसिस्ट, हर सॉन्ग राइटर, हर इंसान को एट द सेम टाइम प्लीज नहीं कर सकता है, सम पीपल माइट नॉट लाइक, सम पीपल माइट फाइंड द लिरिक्स ऑफेंसिव, बट फाइनली दे आर केटरिंग टू द पब्लिक, एंड पब्लिक यानी आप, हम और ये सारे लिरिसिस्ट। तो अगली बार आप क्रिटिसाइज करने की सोचें तो जरा सोचिए, उसके बाद कीजिए।